हेलो गाइस, आज मैं आपको माइक्रोसॉफ्ट पेंट का 5 कूल ट्रिक्स बताऊंगा, ठीक है? ओके, तो मेरा पहला ट्रिक्स है, आपका जो इरेजर है उसको आप कैसे बड़ा कर सकते हैं, क्योंकि छोटा इरेजर में आपको इरेज करने में दिक्कत होगा, ठीक है? इसके लिए आप क्या करेंगे, आपका कीबोर्ड पर जाइएगा और वहाँ पे कंट्रोल प्लस बटन जो है उसको प्रेस कीजिएगा, जो न्यूमेरिक है, ठीक है, वही प्लस बटन प्रेस कीजिएगा, वो बड़ा होगा, धीरे धीरे प्रेस कीजिएगा, ठीक है, और उसको कंट्रोल माइनस कीजिएगा तो धीरे धीरे छोटा होगा। आपको जितना साइज चाहिए उसको अब फिक्स्ड कर लीजिए, उसके बाद इरेज कीजिए, ठीक है? ये रहा मेरा पहला ट्रिक। और इसी तरह सेम आप आपका ब्रश का साइज चेंज कर सकते हैं, ठीक है? ये देखिए, ये है मेरा पहला साइज, ठीक है? अब इसको थोड़ा बड़ा करता हूँ सेम तरीके से, कंट्रोल प्लस, ठीक है? ये देखिए बड़ा हो गया, उससे हम बड़ा थोड़ा चाहते हैं तो ठीक है, फिर से हम प्लस करते हैं, ठीक है? ऐसे आप करके आपका जो ब्रश है उसका साइज भी ऐसे आप कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है? ओके, चलते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। कभी कभी हम जब कुछ एडिट करते हैं तब कहीं पे कुछ मिस्टेक हो जाता है, जैसे कि यहाँ पे मेरा कुछ डिलीट हो गया, ठीक है? इसके लिए आप हम इसका कलर ढूंढने में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाता है, इसके लिए हम अब क्या करेंगे, यहाँ पे जाएंगे और यहाँ पे कलर पिकर पे हम क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ से कलर को हम एक बार क्लिक कर लेंगे, ऑटोमेटिकली कलर है पिक कर लेगा, ठीक है? इसका जो कलर है ऑटोमेटिक पिक कर लेगा, उसके बाद हम यहाँ पे डाल लेंगे, बस प्रॉब्लम सॉल्व हो गए, ठीक है? चलते हैं नेक्स्ट। इस ट्रिक्स में मैं आपको दिखाऊंगा कैसे आप जो ट्रांसपेरेंसी ऑप्शन है, ट्रांसपेरेंट, इसको आप कैसे यूज कर सकते हैं, ठीक है? इसके लिए मैं पहले एक सर्कल ड्रॉ करता हूँ, सर्कल ड्रॉ करने के बाद उसको सिलेक्ट कर लेता हूँ, सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे क्लिक करके ट्रांसपेरेंट में क्लिक करता हूँ, ठीक है? क्लिक करने के बाद जस्ट मैं स्विफ्ट की को होल्ड करके रखता हूँ और यहाँ पे ऐसे मैं ड्रैग करूंगा, ठीक है? देखिए बहुत अच्छा डिजाइन होगा। एक अच्छा डिजाइन आएगा, ठीक है? अब ऐसे भी कुछ ड्रॉ कर सकते हैं आपका पेंट में, ठीक है? अब चलते हैं नेक्स्ट टिप्स की तरफ। यहाँ पे देखिए मेरा एक इमेज साइज है जिसका साइज है 77 के भी, इसको हम थोड़ा छोटा करना चाहते हैं, इसके लिए हम राइट क्लिक करते हैं, इसको ओपन विथ पेंट पे जाते हैं, ठीक है? और यहाँ पे जाइए रिसाइज पे, यहाँ पे क्लिक कीजिए और यहाँ पे आप यहाँ पे 70 कर दीजिए, ठीक है? ओके कर दीजिए। करने के बाद आप जब सेव करेंगे, ठीक है, फाइल जाके सेव, देखिए यहाँ पे उसका साइज जो है घट गया। कभी कभी फॉर्म फिलअप में ऐसा लगता है कि 40 KB के अंदर आपका पिक्चर होना चाहिए, तब आप यहाँ पे रिसाइज पे जाके रिसाइज कर सकते हैं, ठीक है? अब चलते हैं आप नेक्स्ट ट्रिक्स की तरफ, ठीक? इस ट्रिक्स में मैं आपको दिखाऊंगा कैसे आप इमेज साइज को क्रॉप कर सकते हैं, उसको रोटेट कर सकते हैं, ठीक है? सपोज मान लीजिए यहाँ पे मैं जो सीरियल नंबर है इसको मुझे लगेगा, ठीक है? इसके लिए हम क्या करेंगे, रेक्टेंगुलर पे जाएंगे और इसको हम सिलेक्ट कर लिए, ठीक है? सेलेक्ट करने के बाद हम इसको क्रॉप पे जाके क्लिक करेंगे और यहाँ पे जो रोटेट है उसको हम 90 डिग्री करेंगे, ठीक है? ओके, नाउ क्रॉप हो गया, उसके बाद हम फाइल पे जाके सेव कर देंगे, ठीक है? होप आपको अच्छा लगा वीडियो, तो सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।